नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव के मतदान को महज चंद रोज ही रह गए हैं। ऐसे में प्रत्याशियों की जो जनसंपर्क बढ़ाने की जो गति है वो तेज हो गई है। साथ ही साथ जो प्रत्याशी हैं तरह तरह के लुभावने वादे बोले या फिर कई सारे मंसूबों को लेकर मतदाताओं के सामने में है। तो बताना चाहेंगे दर्शकों की वैशाली नगर सीट जो है काफी सेंसिटिव रही है, काफी चर्चाओं में रही है। यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा जो निर्दलीय हैं वो भी मैदान पर हैं। ऐसे ही एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं अजहर अली जी। हाँ, एडवोकेट अजहर अली जो हैं वो भी चुनावी मैदान पर है, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। और इनका जो चुनाव चिन्ह है वो एयर कंडीशन, जी हाँ, ये चलेगी हवा आएगी ठंडक बढ़ेगा, ऐसा इनका एक नारा है। तो सबसे पहले हम अपने स्टूडियो में अजहर सर का स्वागत करते हैं। सर, आप चुनावी मैदान में उतरे हैं दमखम के साथ में, कैसा लोगों का आपको समर्थन मिल रहा है? लोगों का भरपूर समर्थन है यहाँ के वैशाली नगर मतदाताओं का, यहाँ के लोगों का समर्थन भरपूर है और लोग चाह रहे हैं मुझे। दो राष्ट्रीय पार्टियों के दिग्गज लोग जो हैं, दो प्रतिद्वंदी आपके सामने में, क्या लगता है उनको शिकस्त दे पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक तो मुकेश अंधकर जी हैं कांग्रेस से, वो वैशाली नगर विधानसभा से बाहर के हैं, और दूसरे जो हैं वो पार्षद रहे हैं, लेकिन पार्षद रहने के दौरान सभी कोई संतुष्ट नहीं हो पाया उनसे। इस कारण से हम नए चेहरे हैं, लेकिन यहाँ पे सामाजिक काम करते रहते हैं, इस कारण पब्लिक यहाँ पसंद कर रही है। और कुछ कांग्रेस से लोगों की नाराजगी है, तो जो कांग्रेसी वोटर हैं उनका झुकाव मेरी तरफ है। कांग्रेसी वोटर्स का झुकाव भी आपकी तरफ, ऐसा बता रहे हैं आप जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, रहते हैं, आप काफी सक्रिय भी ऐसी जगह में हैं, तो क्या लगता है आपकी कार्यप्रणाली या आपकी जो कार्यकुशलता को देखकर जो समुदाय आपका मुस्लिम समुदाय आपको मत देगा, वोट देगा? बिल्कुल, उनको नज़रअंदाज किया गया है कांग्रेस सरकार द्वारा, लोगों को नज़रअंदाज किया गया है, उनके क्षेत्रों में विकास नहीं किया गया है, और उनको जो पार्टी में टिकट मिलना चाहिए या जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, जिस कारण बहुत से लोग असंतुष्ट हैं और वो सब मेरे साथ हैं। कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी दोनों का मैनिफेस्टो घोषणा पत्र सभी के सामने है और सभी को लेकर काफी चर्चाओं का दौर जो सरगर्म है। आपने ऐसा कोई मैनिफेस्टो तैयार किया है, कोई घोषणा पत्र है या ऐसे कोई विकास के दावे वादे आप करते हैं? जी, हम लोग सबसे पहले तो कब्रिस्तान का मैटर है, जो हम लोग कब्रिस्तान का घोषणा पत्र करते हैं, घोषणा देते हैं कि हम लोग सब आएंगे, पद में तो कब्रिस्तान बनवाएंगे, कम्युनिटी हॉल बनवाएंगे, जगह जगह गार्डन बनवाएंगे, मिनी मिनी स्टेडियम बनवाएंगे, ब्रिज बनवाएंगे, तालाबों का सौंदर्यीकरण करेंगे, रोड नाली वगैरह जो जरूरत है वो सब काम करेंगे, बहुत जगहों में पानी वानी समस्या है, जो मूलभूत समस्या है उसको दूर करेंगे, और जो टेनिस क्लब वगैरह होता है वो सब बनवाएंगे, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं साफ सफाई के साथ, मतलब जो विकास कार्य है और जो शासन की योजनाएं हैं वो समय पे हो जाएंगे। देखा गया है कि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, जो मुकेश चंद्राकर हैं कांग्रेस से और रिकेश सेन जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, इनके दोनों ही पार्टियों के जो बागी हैं चुनावी मैदान में, संगीता केतन शाह भी है और काफी लोगों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। आपके जो विधानसभा क्षेत्र है निर्दलीय कितना प्रभावित करेंगे? जैसे दिग्गज जो पार्टियां हैं उनके तो अपने अपने मत निश्चित हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी उनके मत कितना प्रभावित करेंगे आपको? देखिए, मैं ना निर्दलीय फॉर्म जरूर लिया था, लेकिन जब फॉर्म भरने जा रहा था तो मैंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि अंबेडकर साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी है, उनका समर्थन लिया और उसे भी फॉर्म लेकर फॉर्म भरा। और मुझे बौद्धिस्ट समाज और सतनामी समाज का भी सपोर्ट है, क्रिश्चियन समाज का भी सपोर्ट है, सिख समाज का भी सपोर्ट है, और इतना मालूम है कि बीजेपी से सब कुछ संतुष्ट नहीं है, कांग्रेस के प्रत्याशी चयन से या उसके विकास कार्यों से भी संतुष्ट नहीं है, यहाँ की उपेक्षा की वैशाली नगर से सब असंतुष्ट हैं। तो वो सब लोगों को ये देखते हुए मुझे पूरी विश्वास है कि यहाँ की जनता पढ़े लिखे लोगों को पसंद करेगी और मेरे कार्यों को देखते हुए मुझे ही पसंद करेगी, और हम लोग यहाँ पर वोटों का बंटवारा होगा तो जिसमें त्रिकोणीय मुकाबला होगा, चौकोणीय मुकाबला होगा, उसमें मेरे को भी नंबर आ सकता है। क्या आप अगर बहुमत पाते हैं और आपको अगर, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से ही हैं और बहुमत पाते हैं तो पार्टी से आप समावेश होंगे, से मिलेंगे? बिल्कुल, यदि मैं जीतता हूँ और कांग्रेस को सरकार बनाने में मेरी ज़रूरत महसूस होती है तो बिल्कुल मैं शामिल होऊंगा और कांग्रेस सरकार बनाने में मदद करूँगा। आपकी विचारधारा कांग्रेसी है और आपका जो झुकाव भी रहा है कांग्रेस में, आप एक अच्छे पद पर भी आसीन रहे हैं, क्या लगता है पार्टी जो है वो नजरअंदाज क्यों करती होगी आपको? पार्टी को लगा कि हमारा जो वोट है, मतदाता है, अल्पसंख्यकों, विशेषकर अल्पसंख्यकों के, कि इनके पास विकल्प नहीं है और ये
हमें ही वोट देंगे, तो इस बताने के लिए कि यानी हम लोगों को पार्टी में बराबर सम्मान मिलना चाहिए, हमको यूँ नज़रअंदाज नहीं किया जाए, अपने मान सम्मान के लिए संविधान के लिए लड़ाई है कि हाँ हम लोग वोट जरूर देते हैं लेकिन हम लोग भी मान सम्मान के लायक हैं, हमको नज़रअंदाज नहीं किया सकते, अगर हम नहीं तो आप भी नहीं, हमारे बिना आप नहीं। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के जो हैं स्टार प्रचारक, देश के प्रधानमंत्री भी दुर्ग और छत अभी एक दौरे पर थे, छत्तीसगढ़ का प्रवास उनका चल ही रहा है। इसी बीच राजनाथ सिंह, अमित शाह का आना जाना लगा हुआ है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी दौरा चल रहा है। ऐसे में क्योंकि आपने निर्दलीय हैं और आपने बताया कि विभिन्न संगठनों का आपको समर्थन मिल रहा है, ऐसे कोई स्टार प्रचारक या ऐसा आपके समर्थन में कोई उतर कर आया? जी हमार हमार छत्तीसगढ़ पार्टी और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया और पिछड़ा वर्ग का हमें समर्थन मिला हुआ है, जिसमें सोनवानी जी रायपुर से आए थे और प्रकाश अम्बेडकर जी जो कि बाबा अम्बेडकर के पोते हैं वो भी हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमाए थे, हमारे प्रचार के लिए विशाल नगर विधानसभा के लिए दुर्गापारा में आए थे और उन्होंने हमारे लिए बौद्धिस्ट समाज के 27 समाज का वोट मांगा और अपना प्रचार किया हमारा। और जो कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, बीजेपी की प्रत्याशी हैं, उसमें हम भी एक प्रत्याशी हैं और लोगों की पसंद नापसंद होती है, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी सामाजिक काम करते हैं, तो उसमें हमारी कार्यों को देखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ की जनता इस बार पढ़े लिखे को चुनेगी। बस 4 दिन ही शेष रह गए हैं मतदान को, तो ऐसे में आप मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? जी मैं वैशाली नगर के मतदाताओं से निवेदन करूँगा, आज जो है गुजारिश करूँगा कि अपने बहुमूल्य मत को पहचाने और अपना उसका सही सदुपयोग करें और लोकतंत्र के इस पर्व को खुशी खुशी बिना किसी डर दबाव के बिना किसी लालच के मनावे और सही प्रत्याशियों का चयन करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अजहर अली एडवोकेट जी, हाँ बता रहे वैशाली नगर विधानसभा से ये प्रत्याशी हैं, मैदान पर हैं और मतदाताओं से अपील करते हैं कि लोकतंत्र के इस पर्व को सफल बनाएं और शत प्रतिशत मतदान कर अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन करें। नमस्कार।